लेकर कांग्रेस का गुस्सा दिखा है। इसी बड़ी खबर के साथ कल लखनऊ में गुलाम नबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कांग्रेस गठबंधन पर रुख साफ करेगी। गठबंधन में ना पूछे जाने पर कांग्रेस खफा है। गठबंधन पर बोलने की प्रवक्ताओं को मनाही है। गुलाम नबी आजाद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, आखिर जिस चीज का डर था वही हुआ, अब खुलकर कांग्रेस की नाराजगी सामने आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। अब कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट करने के लिए अपने यूपी के प्रभारी और यूपी के जो अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर, इनको कल भेजा है। कल लखनऊ में गुलाम नबी आजाद और राज बब्बर दोनों ही मौजूद रहेंगे और कांग्रेस का रुख स्पष्ट करेंगे। राहुल गांधी का वजन क्या है इस गठबंधन में, जो कांग्रेस को किनारे किया गया है उस पर क्या सोचते हैं और आगे की स्ट्रैटेजी को शेयर किया जाएगा। तब तक के लिए फिलहाल कांग्रेस की तरफ से ऊपर से कहा गया है सभी प्रवक्ताओं को, पैनलिस्ट को, कि वो अपनी राय मीडिया में ना रखे। अभी इस पर मंथन चल रहा है, विचार चल रहा है। और आज सुबह जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर के मायावती हमलावर रही और अखिलेश यादव ने भी उनका साथ दिया और ये कहा कि कांग्रेस भी बीजेपी की राह पर ही चलती है, इसलिए उसको गठबंधन से बाहर रखा गया है। सिर्फ और सिर्फ रायबरेली और अमेठी को इम्यूनिटी दी गई है। इसको लेकर के कांग्रेस में काफी खासी नाराजगी है एआईसीसी स्तर पर। और कल यूपी के प्रभारी गुलाम नबी आजाद और प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर आकर के कांग्रेस का रुख स्पष्ट करेंगे। जी बिल्कुल। और अभिषेक, जिस प्रकार से हम आसार लगा रहे थे इससे पहले भी, जब एक बार सपा बसपा के साथ आने की बात चल रही थी, आज तो हालांकि औपचारिक ऐलान हुआ, इससे पहले भी राहुल गांधी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में कम आंकने की भूल ना करें, चौंकाने वाले नतीजे देंगे। और अब जिस प्रकार से आज सारी बातें हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं अपना रुख स्पष्ट करना कांग्रेस के लिए बहुत ही जरूरी भी हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल, काफी जरूरी हो गया है क्योंकि इससे पहले कांग्रेस एक नेचुरल अलायंस के रूप में काम कर चुकी है उत्तर प्रदेश में भी और अन्य राज्यों में भी, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर बीएसपी हो। तो ऐसे में पहले इंतजार किया गया, जो तमाम तरीके के संकेत मिले उसके बाद राहुल गांधी ने अपने दुबई दौरे से पहले एक इंटरव्यू में कहा कि हम अकेले अप्रत्याशित नतीजे से दे सकते हैं। लेकिन आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मायावती और अखिलेश यादव ने जो कहा कांग्रेस को लेकर के, उसको लेकर के काफी खासी नाराजगी है कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस के ऊपर के तरफ जो तमाम बैठे हुए हैं लोग, वो अब चाहते हैं कि इस पर कांग्रेस अपना एक मजबूत दावा रखे एआईसीसी स्तर पर, राहुल गांधी के स्तर पर। इस पर बात हुई है और उसी को लेकर के कल लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट करेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कल का दिन काफी अहम रहने वाला है। माया अखिलेश ने कांग्रेस पर हमला बोला और अब गठबंधन को लेकर कांग्रेस का गुस्सा देखने को मिला है। दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन